बहुत ही अच्छे कानून हैं, बहुत ही अच्छे रूल हैं यूएई में, मुझे बहुत पसंद हैं। और आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसी तरह कुछ भी मालूम चाहिए गाड़ी के पेंट में, गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को नॉर्मल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखें ये होता है माइंड सेट, इन लोगों ने एक तरतीब बनाई है, हर आदमी को रोज़गार देने काम जो है वो मिलता है, इससे बहुत ही अच्छा है। इनका सोच जो है वो बहुत ऊपर तक है, मैं सलाम करता हूँ इनकी सोच को। इसलिए यूएई का जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने ये कानून बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको पेड़ लगाता हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ और ऐसी गाड़ियों की वीडियो आप लोगों के लिए। ये दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का वीडियो हमारा इस JAC का मॉडल है, और ये गाड़ी फेल हो गया, ये पासिंग में गई थी, इसके जो स्टिकर वगैरह हैं ये भी फेल हैं, और यहाँ पे डेंट वगैरह हैं, ये पेंट ख़राब है। तो अभी हम लोग इसको वापस रीपेंट करेंगे, जब ये रीपेंट होगा तो वापस इंशाल्लाह पासिंग में जाएगा तो पास होगा। देखें इसमें यहाँ पे ये रस्ट वगैरह है, जंग है। तो इसी तरह गाड़ी का कुछ भी मेंटेनेंस रहता है तो जो यूएई का कानून है वो इसको फेल कर देते हैं, हर साल के बाद गाड़ी पासिंग में जाती है। देखें यहाँ पर रस्ट है, तो ये यूएई जो कानून है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाजम इसको जो मेंटेनेंस है गाड़ी का, पेंट वगैरह कुछ भी काम होगा वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी वो लोग पास करेंगे और इसका जो साल का मुल्की है वो आप लोगों को बना के देंगे। जो लोग इधर हैं उनको तो मालूम है, देखिए अंदर भी यहाँ पे ये पूरा रस्ट है, जंग है, तो ये गाड़ी रोड के ऊपर नहीं चल सकती जब तक इसका जो पेंट है ये बराबर नहीं होगा। इसी तरह देखें ये टोटल इसका, आगे से तो गाड़ी नया है, पीछे से बस ये थोड़ा पेंट ख़राब है, इसकी वजह से उन लोगों ने फेल कर दिया कि इसको वापस से रीपेंट करके लेके आए। बाकी अगर गाड़ी के आगे से बात करते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, माशाल्लाह नई गाड़ी है। बस पीछे जो उसका वो ट्राली है उसमें थोड़ा जंग है, तो उसको भी हम लोग रीपेंट कर देते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे, जो इसका ये रस्ट वगैरह ये टोटल रिमूव हो जाएगा, और रिमूविंग के बाद वापस ये रीपेंट हो जाएगा, तो कैसा लगेगा आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, इन्जॉय कीजिए वीडियो। मैं और जल्दी जल्दी से इसको तैयार करता हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक है वो देखते हैं। इस साइड से अगर बात करते हैं तो इधर मुझे इतना ग्राइंडर का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेंट ठीक था, ये वाली जो पट्टियाँ हैं ना दोनों साइड की ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे ये JAC का जो JAC का लोगो लगा हुआ था यहाँ पे, वो पूरा धूप से फेड था, डैमेज था, तो उसको मैंने पूरे रिमूव कर दिया, ये बाद में नया लग जाएगा, मुश्किल नहीं है। और इसके इसमें बाद में सेफ्टी वाला स्टिकर आएगा, आई एम ड्राइविंग सेफली इफ नॉट प्लीज़ कॉल, वो वाला स्टिकर लगेगा। और इसमें ट्राइंगल मिस है, ट्राइंगल एक भी नहीं लगा हुआ था गाड़ी में। अजमान में दो लाजम चाहिए होता है, लेकिन ये नंबर चार जगह है, नहीं मालूम मैं अगर चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा अगर इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो पेंट पूरा क्रैकड था, फटा हुआ था, जंग था उसमें, तो उसको मैंने प्रॉपर ग्राइंडर लगा के देखे इस तरह से रिमूव किया, अब ये बेहतरीन हो चुका है इंशाल्लाह, अब ये 3 से 4 साल आराम से चलेगी। यहाँ पे देखें ये टोटल जो बड़ा बड़ा जंग था ग्राइंडर से रिमूव हो गया, बिल्कुल ये बेहतरीन लग रहा है। और नीचे यहाँ पे जो पेंट फटा हुआ था, जला हुआ था, उसको इस तरह से रेगमर लगाया, रेगमर लगाने के बाद ये मैंने काट दिया हुआ, जो अगली पेंट था जो फटा हुआ था, जला था, क्रैकड था, टोटल रिमूव हो चुका है इस तरीके से, देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब ये वाली जो साइड है ये तो कम्प्लीट है, वो वाली साइड बाकी है, उसको जल्दी जल्दी से रेगमर लगाते हैं और उसके बाद इसका पैकिंग करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह पेंट होगा। तो फर्स्ट हम लोग ये वाइट वाला पेंट करेंगे, और उसके बाद जो नीचे वाला ये ब्लैक पेंट है ये देखें, ये भी पूरा जंग लगा हुआ है, रस्ट है टोटल, इसको भी हम लोग ब्लैक कर देंगे, और गाड़ी का जो लुक है वो और भी अच्छा हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये टोटल रस्ट है इस तरह से, इसकी वजह से ये गाड़ी फेल हो चुकी है, इसमें रस्ट है। तो जो यूएई का कानून है उसके मुताबिक इसमें रस्ट होगा, पेंट फटा होगा, तो ये गाड़ी पास नहीं होगी। तो अभी इंशाल्लाह जब ये पेंट होगी तो वापस जाएगी पासिंग में, और पास होगी, इसका एक साल का जो मुल्की है वो रिन्यू हो जाएगा। तो मज़ीद आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, इन्जॉय कीजिए वीडियो, मैं भी जल्दी जल्दी से इसको तैयार करता हूँ, और उसके बाद इसका जो फाइनल लुक होगा वो देखेंगे हम लोग। तो जी दोस्तों फाइनली पिकअप को मैंने पैकिंग कर दिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और अब जस्ट इसको हम लोगों ने पेंट लगाना है, और पेंट लगाने के बाद गाड़ी हमारी बिल्कुल नई होने वाली है। और इसके अंदर ये बॉक्स पड़ा हुआ था, देखें ये बहुत वजनी है, इसको आप लॉकर बोल सकते हैं, देखें इसको भी मैंने पैक किया, और ये नीचे उतारने वाला था लेकिन नहीं उतार सका, क्योंकि इसमें वज़न बहुत ओवर है,
और इसी तरह इधर ये सामान पड़ा हुआ था, ये भी पैक हो चुका है। और गाड़ी का बाकी इधर नीचे ये मैंने पूरा सफरी की मदद से, शापर की मदद से इसको पैक। और अब इंशाल्लाह इसको जस्ट पेंट बाकी इस तरफ देखें, ये टोटल पैक हो चुका है। और ऑल्सो इस साइड में भी जो जितना भी पैकिंग है हमारा कम्प्लीट हो चुका है। और आगे बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने गाड़ी को बाहर नहीं लगाया, पेंट रूम में लेके आया। ये गाड़ी थोड़ी स्मॉल है, नॉर्मल मित्सुबिशी का जो पिकअप आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो विड्थ है वो थोड़ा चौड़ा होता है। ओह बाथरूम मट्टी और स्मॉल है, वहाँ भी बहुत तेज़ चल रहा है। इस तरह से देखें ये मैंने टोटल जो पैकिंग है इसका ये कर लिया हुआ है ताकि मेरा जो पेंट है वो इधर उधर नहीं जाए। और बाकी गाड़ी देखें, इसका जो ये केबिन है मैंने इसको उल्टा किया हुआ है, लटका दिया हुआ है। और अब जस्ट इसको पेंट लगाते हैं और उसके बाद इसका जो फाइनल लुक है वो देखते हैं कि जब इसको पेंट लगेगा तो वो दिखने में कैसा लगेगा। गाड़ी जो है ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो सिस्टम है ये केबिन का ऐसा आता है कि ये ऐसा उल्टा हो जाता है। तो अभी अंदर जाते हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। ओहो, तो अभी मैं इसको पेंट लगाता हूँ। देखें यहाँ पे अंदर पूरा ये रस्ट वगैरह है, ये हम पूरा पेंट करने वाले हैं। जब ये पेंट हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ये लॉकर इसने बहुत ज़ोर लगाया, मेरा बहुत वज़न ही है इसके अंदर, मालूम नहीं क्या है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो अभी मैं जल्दी से इसको पेंट लगाता हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ और ऐसी गाड़ियों की वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये गाड़ी तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट इसका पेंट बाकी है, मैं इसको पेंट लगाता हूँ। और आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का कुछ भी मेंटेनेंस होने वाला है तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो लोग स्पेशली यूएई में हैं। मैं इधर अजमान सनाइया में हूँ, इधर अजमान सनाइया में हमारा गैरेज है और गाड़ी का जो टोटल मेंटेनेंस है वो चल रहा है। और गाड़ी कैसे रिपेयर और रीपेंट की जाती है यूएई में, आप लोगों को ऐसी ही मज़ीद और वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं आने वाले दिनों में। बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं हमारे पास इधर, इनका मेंटेनेंस अभी चल रहा है। और बीच में एक प्राडो है वो भी सिल्वर पेंट करना है, और टोयोटा करोला आ रही है वो भी फुल पेंट करनी है, वाइट लुलू कलर है उसका, और निसान अल्टिमा है, बला 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 बहुत गाड़ी है। गाड़ी इंशाल्लाह बहुत आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर किसी भाई को पेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ गाड़ी का पेंट का। और अभी बिना वेट किए इसको पेंट लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं जब ये गाड़ी रेडी होगी तो कैसी लगेगी अगले स्टेप में। तो जी दोस्तों, फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक है। देखें इस तरह से इसको मैंने वाइट जो पेंट है, इसका टूके का पेंट था, इसको ऑयल पेंट नहीं लगाया मैंने, और टूके का पेंट लगा दिया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखें इस तरह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इसका। और ये कमाल का पेंट है वाइट टूके जो है, इसको लगाएंगे गाड़ी को कवर तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार थोड़ा सस्ता हो जाएगा, ऑयल पेंट लगा दो, ऑयल पेंट नहीं लगाना चाहिए गाड़ी को। टूके का पेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ज़्यादा टाइम निकालता है और ये पायदार है, गाड़ी में जंग वगैरह नहीं लगने देता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेंट है टूके का। और माशाल्लाह बाकी देखिए इस तरह से इसको मैंने अंदर बाहर से जो पूरा ख़राब था पेंट लगा दिया हुआ है। नीचे फर्श में हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ये सामान आगे पीछे जाता आता रहता है तो ये निकल जाएगा, फ़ायदा नहीं है लगाने का। और ये जो चादर लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये दाने वाला चादर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मज़बूत चादर है। और बाकी इधर से जो पेंट था ये वाला साइडों का जिधर जंग वगैरह था वो पूरा मैंने लगा दिया, वाइट पेंट इस तरह से। ये जो चादर है ये भी जिसकी चादर लगा हुआ है, लेकिन जिधर जिधर वेल्ड किया था उधर जंग था, इसमें जंग वैसे आता नहीं है साइड में। और बाकी गाड़ी आप बेहतरीन हो चुकी है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे नॉर्मली कमेंट करके बताना है कि ये गाड़ी और हमारा काम कैसा लगा। बेहतरीन हो चुका है माशाल्लाह। तो जी दोस्तों, फाइनली पिकअप हमारी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो लुक है वो आ चुका है यहाँ पे। इसको मैंने पेंट लगा दिया है, माशाल्लाह देखें कमाल का हो चुका है, गाड़ी एकदम नया हो चुका है। और ये गाड़ी जो है ये फेल होके आई थी, इसका जो पेंट है इसमें जंग वगैरह था, आप लोगों ने देखा जैसा कि
अमारात में ये कानून है कि हर साल के बाद जो गाड़ी पास होती है उसमें गाड़ी का कुछ भी मेंटेनेंस होगा, गाड़ी धुआं छोड़ेगी, गाड़ी का पेंट सही नहीं है, कुछ भी फॉल्ट रहेगा, कुछ लाइट वगैरह, ब्रेक लाइट, इशारा कुछ भी काम नहीं करता है, तो वो लोग गाड़ी को फेल कर देंगे कि जाएं जाके वापस अपना गाड़ी के मेंटेनेंस करवा के लेके आए, फिर गाड़ी वो पास करेंगे, अदरवाइज वो गाड़ी पास नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही अच्छा कानून है, मुझे तो बहुत पसंद है। और क्योंकि ऐसा करने से क्या है, बहुत आदमी का जो रोज़गार है वो चलता है, मेन जो है हमारा भी चलता है, स्पेयर पार्ट वालों का भी चलता है, और बहुत सारी इंडस्ट्री इससे चलती है। इसलिए यूएई का जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने ये कानून बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो रूल है यूएई की गवर्नमेंट का वो कैसा लगा आप लोगों को। देखें ये होता है माइंड सेट, इन लोगों ने एक तरतीब बनाई है हर आदमी को रोज़गार देने, काम जो है वो मिलता है इससे, बहुत ही अच्छा है। इनका सोच जो है वो बहुत ऊपर तक है, मैं सलाम करता हूँ इनकी सोच को, क्योंकि ये एक चीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों का जो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है उसको चलाते हैं, और जो लोगों के कारोबार हैं, बिजनेस हैं, वो रन करते हैं इनकी एक सोच से। देखिए अभी गाड़ी पासिंग में जाती है, वो फेल होती है, वो हमारे पास आती है, हमारा रिजिक आता है, फिर उसके बाद हम लोग जिससे सामान लेते हैं पेंट का और मैकेनिकल, हम लोग स्पेयर पार्ट यूज़ करते हैं गाड़ियों का, उनका यानी कि सिस्टम चलता है। ये बहुत ही अच्छी थिंग है। बाकी माशाल्लाह गाड़ी तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बला 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 बहुत हो गया है। और देखें अभी इसके जो डोर हैं इनके अंदर थोड़ा पेंट लगाना है, उधर थोड़ा रस्ट है, जंग है उसमें, वो भी मैं पेंट कर दूंगा। जो जस्ट जो बैक वाला जो पेंट मैंने भी किया वो थोड़ा ड्राई होगा, और उसके बाद जो ये पैकिंग इसका मैं ओपन करूँगा, और उसके बाद ये जो केबन है ये नीचे आ जाएगा। देखें ये केबन ऊपर गया हुआ है, तो इंशाल्लाह उधर थोड़ा रश कर देंगे। और अभी ब्रेक टाइम होने वाला है हमारा, एक बजने वाला है, 1 से 4 हमारा ब्रेक रहता है। ये भी यूएई की गवर्नमेंट को है जो कानून है वो असूल है, बहुत ही अच्छा है कि गर्मी में 12:30 से 3:30 बजे तक आप लोगों का रेस्ट रहेगा, उसके इस बीच में आप लोग बाहर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यूएई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसकी वजह से ये इन लोगों ने कानून बनाया कि भाई जितनी भी लेबर है, मजदूर है, कोई भी आदमी बाहर काम नहीं करेगा, अगर करता हुआ पकड़ा गया तो कंपनी को फाइन रहेगा, कंपनी को फाइन मिलेगा कि भाई आपका आदमी बाहर काम क्यों कर रहा था इतनी गर्मी में। तो बहुत ही अच्छे कानून हैं, बहुत ही अच्छे रूल हैं यूएई में, मुझे बहुत पसंद हैं। और आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसी तरह कुछ भी मालूम चाहिए गाड़ी के पेंट में, गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों को नॉर्मल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मज़ीद क्या कहेंगे, ये गाड़ी तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है इसका, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों ये गाड़ी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो का भी करते हैं एंड, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।